हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 विषय हिंदी विशिष्ट कक्षा 8 की यहाँ पर खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 की खंड आ की सभी विषय की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम अर्थात शाला का नाम। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो वर्कशीट है दो खंडों में विभाजित की गई है। खंड आ यहाँ पर लिखित 30 अंक की वर्कशीट है और खंड व प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है, अर्थात कुल 50 अंक की वर्कशीट है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर खंड आ में सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्नमांक 1 से लेकर प्रश्नमांक 8 तक आपको इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोला अर्थात घेरा बनाइए और लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक यात्रा कार्यक्रम की इस प्रकार से सूचना दी गई है। इस सूचना को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर डी वाले ऑप्शन पर आपको घेरा अर्थात गोला लगा देना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से आंसर में लिखना है, अंगों को चोट लग सकती है। इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको गोला लगाना है, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। तो किसके साथ जा रहे हैं, अपने शिक्षकों के साथ। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर में आपको लिखना है, अपने शिक्षकों के साथ। और यहाँ पर आपको जो भी विकल्प उत्तर होता है उस पर आपको इस प्रकार से गोला भी लगाना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की वर्कशीट इस प्रकार से हल हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है। तो इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, चादर कपड़े पानी की बोतल। तो इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन आपका उत्तर होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है और यहाँ पर सी वाले ऑप्शन पर आपको घेरा लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रकार से पोस्टर दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। इस प्रकार से विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको एक पोस्टर दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस पोस्टर को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे क्योंकि। यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। इस प्रकार से सी वाले ऑप्शन पर आपको घेरा भी लगाना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बी वाले ऑप्शन पर आपको घेरा लगाना है और यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, और आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है प्रकृति बचाने का। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको गोला भी लगाना है। इसके बाद प्रश्नांक 8 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा पूरे विश्व में। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है पूरे विश्व में। इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्नांक 9 से लेकर प्रश्नांक 13 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात दो दो अंक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। उपर्युक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में इस प्रकार से लिखना है कि मोती के लिए यहाँ पर पानी अर्थात चमक या दमक के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद मानुष के लिए यहाँ पर मनुष्य अर्थात मनुष्य का पानी उसकी इज्जत, इस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न के उत्तर को आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, उपर्युक्त प्रश्नांक 9, जो आपको प्रश्नांक 9 में पंक्ति दी गई हैं इन पंक्तियाँ किस छंद की हैं, छंद का नाम और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है यह पंक्तियाँ दोहा छंद की हैं, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, यह दो पंक्ति का होता है, इसमें चार चरण माने जाते हैं, इसमें विषम चरणों अर्थात प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरण अर्थात द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां से लेकर यहां तक आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबंधियों को लेख पत्र किस प्रकार से आते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर होगा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला पत्र होता है औपचारिक पत्र और दूसरा प्रकार होता है अनौपचारिक पत्र। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं। तो यहाँ पर संबंधियों को लिखे जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है अर्थात अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 11 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगे, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखिए। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर वह के बाद यहाँ पर आपको कोमा लगाना है, मन ही मन के बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पर अल्प विराम लगाना है, बड़े देव को मनाने लगे हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको लगाना है, इसके बाद बड़े देव के बाद यहाँ पर आपको लगाना है मेरे बाबा को बचा लेना, इसके बाद उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसको लिख लेना है और यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 13। तो यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण टेस्ट में, इसके बाद आगे दिया गया है कि एक बड़ा संगठनात्मक रोल अदा किया, यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 13 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर इसका उचित शीर्षक क्या होगा, सफलता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस गद्यांश का अर्थ आप अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर आदमी अधिकतर यह सोचते हैं कि यह कठिन कार्य है और यह समय हमारे अनुकूल नहीं है, यदि यह कार्य किया गया तो दैनिक विपत्ति पड़ सकती है, उनका मन कठिन परिश्रम से डरता है, मन में निराशा का अभाव रहता है, तो ऐसे मन से किया गया कार्य में असफलता ही मिलेगी। मनुष्य को जानना चाहिए कि सफलता पाने के लिए, विजय के लिए अर्थात उन्नति के लिए आदि के लिए सफलता की कुंजी अविचल अर्थात निरंतर श्रद्धा प्रयास ही है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16। छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो इस प्रकार से आपको बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखना है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि इसी तरह आपको और अन्य सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।